इन दिनों भिंड जिले में बाढ़ वाले इलाकों में आम आदमी से लेकर राजनेता प्रशासनिक अधिकारी मदद के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट करना बेहद चिंताजनक और निंदनीय घटना है। ग्राम टेहनगुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से ग्रामीणों को शिफ्ट करने के उद्देश्य से और कैंप लगाकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थान चिन्हित करने के लिए पटवारी अपने मित्र और ग्रामीणों के साथ जगह खोज रहा था। तभी इस दौरान वहीं पर पदस्थ पटवारी सौरभ राजावत के साथ ग्राम के ही दबंगों ने बदतमीजी की और गाली गलौज के बाद मारपीट भी की। ग्राम के ही युवक रंजीत विशंबर और अन्य लोगों द्वारा हमला भी किया गया। इस बात की सूचना जिले के पटवारी संघ को मिली तो जिले के तमाम पटवारियों ने एकजुट होकर नया गांव थाने पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनके घर के मतलब और भी दो तीन लड़के थे, उन्होंने एकदम नाम नहीं पता उनका, लेकिन उन्होंने बोला लगे 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 बस, और उन लोगों ने मतलब लाठी वगैरह चला के काफी मारा है। हमारा वरिष्ठ अधिकारियों से यही निवेदन है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, अन्यथा भिंड जिले का कोई भी पटवारी तब तक कार्य नहीं करेगा। उनके खिलाफ FIR होना चाहिए और उनकी तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। और पटवारी हम दोनों जने भिंड से आ रहे थे आने के लिए कैंपिंग के लिए, जगह पटवारी साहब देख रहे थे, हम खाना बांटने चले गए। इतने में पटवारी साहब को लाठियों से मारा, डंडे से पीटा, कपड़े वपड़े फाड़ दिए और बहुत ज़्यादा और धमकी दी है, हमको भी दी साथ में धमकी। बाद में जब गाड़ी लेके गया कि पटवारी को क्यों थाने ले जा रहे हो, तुमको तो हम देख लेंगे, ले जाओ तुम थाने, किसने ले जाओगे, कौन थे? और कौन थे में रंजीत विशंबर और राहुल और अन्य आदमी थे, कुछ लोगों के हम नाम भी नहीं जानते। इन लोगों को हम पहचानते हैं जो पटवारी से ज़्यादा बहस कर रहे थे, तो उनको हम पहचानते हैं। ऐसा पटवारी अब तक आओ नहीं, खुद से हम दस दस के मेहनत करी और मेहनत, ऐसा पटवारी हमने देखा नहीं, देखा खाना मिल रहा है आपको है? खाना मिल रहा है, खूब खाना भर पेट मिल रहा हो, हमने आज तक ऐसा पटवारी नहीं देखो। दो दो तीन दिन ना ले आए पटवारी, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम किया आज तक ऐसा पटवारी आओ नहीं।